ZX10 है, फ्यूल तुम इसका देख सकते हो। फिर ये डैम्पर लगा हुआ है यहाँ पे, सिंगल स्विच स्टार्ट है इसका, और इसका वॉइस नोट सुनो तुम। सब गाइस क्या हाल है तुम सबका, होप तुम सब बढ़िया ही होगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज का सीन कुछ ऐसा बन रहा है कि हम सारे जा रहे हैं, ये देख लो ड्यू पहला तो मच्छर गया ना। सो सीन कुछ ऐसा बन रहा है, हम जा रहे हैं यहाँ पे बाहू प्लाजा में, एक बाइक्स का समथिंग ऑफ एग्जीबिशन टाइप लगा हुआ है। सो सारी लिटिल क्लास वगैरह बाइक्स है वहाँ पे, तो वो तुम्हें दिखाते हैं भाई सारी। वो लगा हुआ है गांधीनगर में, गांधीनगर बाहू प्लाजा टू बी प्रिसाइज। सो हमने यहाँ से जाना है और राइट लेना है, राइट नहीं आ रहा, लेफ्ट, मेरा राइट लेफ्ट में थोड़ा गड़बड़ है भाई। तो यहाँ से हम एक लेफ्ट लेंगे और निकलेंगे डायरेक्ट बाहू प्लाजा। सो वहाँ पे तुम्हें आज दिखाते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है, क्या है बाइक्स का सीन। अगर वहाँ पे हुई तो तुम्हें पूरा रूबरू कराते हैं पूरी बाइक्स के साथ हमारे अखिल भैया। तो भाई कमेंट करके बताओ लास्ट वाली वीडियो तुम्हें कैसी लगी है, क्योंकि भाई लास्ट वाली वीडियो में तूफान मचा दिया था हम सब ने। अरे बैनली यार भाई, आज तो यहाँ पे काफी बाइक्स आई हुई हैं, आई डोंट थिंक हमें जगह मिलने वाली है बाइक लगाने के लिए। भाई आज यहाँ पे ना अलग ही तूफान मचा हुआ है यार, मतलब बाइक्स देखो तुम आज उधर, क्या कितनी बाइक्स है। तो अभी हमारी गैंग पूरी पहुंच चुकी है उधर पे, ये हमारी लगी हुई है। Z900 विद एग्जॉस्ट, कौन सा लगा है, एक्रोपोविच का एग्जॉस्ट लगा है भाई। तुम इसका टायर साइज देख लो, कावासाकी का Z800 हरजीत भाई। वाह फक मैन भाई, इसका तुम आवाज देख लो कितना सेक्सी लग रहा है। सो गाइस दिस इज द होंडा की CB 200, ये भी होंडा की बाइक है, ये भी होंडा है। ये तो अपनी विट पिलियन, ये तो तुम्हें दिखा के स्वाट पिलियन, KTM RC नई वाली, ये देख लो भाई, मतलब बहुत अजीब है ये इस टाइम पे ये एडवेंचर। RC 200 जो न्यू जनरेशन है, तुम्हें सबसे पहले मैं इसका सीट्स दिखा लेता हूँ। सीट्स प्रिटी कंफर्टेबल है, बैक वाली भी, मतलब बैठेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब मैं तुम्हें सबसे पहले इस पर बैठ के बताता हूँ। सो इसका किल स्विच करते हैं ऑन। सो ये देख लो, अभी ये रोड मोड पे है, ABS के साथ है, और इसका टॉप एंड आई थिंक 145 रखा हुआ है इन्होंने। और इसका टैंक तुम देख लो, टैंक इसका कितना ज़्यादा सेक्सी है। बट ये बाइक दिख रही है ना, ये इतनी बल्क में बाइक दिख रही है ना, अगर तुम इस पर चलाना चाहो, और पोस्चर भी अच्छा है, आपके फुटपैक ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहे हैं इसमें। तो इसका ये सारा जो फ्रेम है ना, ये वाला सारा एल्यूमिनियम फ्रेम रखा हुआ है इन्होंने बहुत ज़्यादा। इसका स्टेयरिंग WP के सस्पेंशन लगाए हुए हैं सब। यार मतलब एक बात कहने को आया ना कि जो ये, अगर आप फ्लैश में देखते हो ना, मैंने इसे फोटोज में देखा था तो इतना अच्छी लग नहीं रही थी, बट फ्लैश में दिस इज़ यार समथिंग एल्स, बहुत अच्छी बाइक है। तो इसमें ये सबसे बड़ा आ गया है हमारे पास चेंज, जिसमें ये स्क्रीन दे दी हुई है इन्होंने, तो ये अच्छी है। इसको आगे से LEDs दी हुई हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका वॉइस नोट सुनो। सो इसे हम कर देते हैं, वाह, सिंगल स्विच स्टार्ट है इसका, और इसका वॉइस नोट सुनो तुम। एग्जॉस्ट अंडरबेली दिया हुआ है इसमें, जैसा कि RCs में होता आ रहा है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब अगर तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ना, ये देख लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये नया इन्होंने कर दिया हुआ है इसमें। सो दैट्स वन थिंग। और कि आगे से लुक बताता हूँ, सो ये देख लो आगे से इसका फ्रंट कुछ ऐसा, और ये बहुत ज़्यादा हैवी रखा हुआ है इसमें, डबल वाइजर टाइप्स है। सो ये रही अपनी न्यू जन RC, जिसको नहीं पता था उसने देख लिया सारी। यहाँ से देख लो, डुअल चैनल ABS दिया हुआ है इसमें।
सो प्रिटी मच एक बहुत अच्छी बाइक है। ये तो तुमने ऑलरेडी मेरे ब्लॉग्स में देख ली हुई है। तो ये इसका ही भाई है, स्वॉट पिलियन, इससे थोड़ा ऊंचा एंड, और ये अच्छी बाइक का कुछ अच्छा सीन है यार इसका। हाँ ये टैंक प्रोटेक्टर है ना, आई थिंक बैक पैक लगाने के लिए। ये देखो ये है भूसा, सो आई थिंक ये हम बैठ के देखते हैं इसके ऊपर। भाई प्रिटी हैवी बाइक है यार ये, बहुत ज़्यादा हैवी बाइक है। सो ये देख लो तुम, इसका कंसोल कुछ ऐसा है। सो इसके क्लस्टर देख लो, 1000 RPM पूरा तुम्हें दिखाई देगा। ये रैम का माउंट लगा हुआ है इसमें भाई, मतलब अगर तुम ये चलाओगे ना लिटरली बहुत ज़्यादा हैवी बाइक है यार ये, बहुत ज़्यादा हैवी बाइक है। सो पहली बार बैठ रहा है हायाबुसा पे, सो भाई अलग ही एक्सपीरियंस है हायाबुसा का। बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है, पूरे फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, हाइब्रिड। ये देख लो फ्रेम स्लाइडर्स, ब्रैम्बो की ब्रेक्स हैं, अल्टीमेट ब्रेकिंग मानी जाती है। ये एग्जॉस्ट अभी इसमें चाबी नहीं लगी है, वरना तुम्हें इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते। ये अपना क्रश है, एक सेकेंड तुम्हें इसके ऊपर बैठ के दिखाते हैं। सो गाइस जिसे कहते हैं अपना क्रश ZX10R फुल, तुम इसका देख सकते हो। सो ये डैम्पर लगा हुआ है यहाँ पे, और भाई लिटरली फ्रेम स्लाइडर्स लग के ZX10R 1000cc लीटर क्लास बाइक, बहुत ज़्यादा सेक्सी चीज़ है यार ये, कितना हैवी बल्कि इंजन इसका। और भाई काश ये हमें चलाने को मिल जाती फुल। इसकी सिटिंग पोस्चर देख लो, आपका लेग्स कहाँ पर चली जाती है, लाइक ये यहाँ पर आपका ऐसे आ जाती है। सो एवरीथिंग इज़ गुड यार। सो ये थी ZX10R ब्रैम्बो ब्रेक्स के साथ, भाई यार मतलब कावासाकी इज कावासाकी ब्रो। ये देखो कावासाकी कुछ ऐसी सीन है इसका। सो गाइस दिस इज द कावासाकी 250, बहुत ही पुराना मॉडल है। एज यू कैन सी इसके सेंटर कंसोल से बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है, बट इस पर जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। 250 cc ओनली, तो आई डोंट नो तब जब 250 cc आता था इसका डुअल सिलेंडर रहता था या सिंगल सिलेंडर रहता था। अब मैं तुम्हें इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, सबसे पहले कर दिया हमने इसे, इसका एग्जॉस्ट मोड देख लो भाई, वाह। मतलब इस सेगमेंट का होके भी, 250 सेगमेंट का होके भी इतना लाउड एग्जॉस्ट है। हम कावासाकी 250 cc पे, इसका एग्जॉस्ट देख लो कितना लाउड है यार। सो हरजीत भाई चला रहे हैं इस टाइम पे। सो दिस इज एग्जॉस्ट, फक मैन, लिसन टू द एग्जॉस्ट ब्रो। एग्जॉस्ट इसका बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा खतरनाक एग्जॉस्ट है। हरजीत भाई क्या कर रहे हो, लुढ़का लिया था आपने अभी, पता है मैं पूरा ऐसे हूँ ऐसे। सो गाइज आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था सुपर बाइक्स के साथ, आपका भी मेरे साथ तो पहला ही एक्सपीरियंस होगा। अब आई थिंक यहाँ से चलते हैं और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। सो तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय।